सारे एडीजी घटनास्थल पर पहुंचते हुए मुआयना करते हुए ये देखते हुए कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये वही घर है जहां बाहर की साइड जेसीबी से पुलिस को रोकने की कोशिश हुई थी, गुमराह करने की कोशिश हुई थी, और जब पुलिसकर्मी पैदल आगे बढ़ने लगे तो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। वहां की जो लोकल पुलिस है वो पूरी घटना की जानकारी देते हुए ये दिखाते हुए कि ये वही घर है, पहले जब पुलिस यहां पर पहुंची तो बदमाशों ने किस तरीके से छत से ताबड़तोड़ फायरिंग की और किस रास्ते से बदमाश मौके से भाग भी गए। ये जो घर आप देख रहे हैं जहां पहुंचे हैं इस वक्त एडीजी, उनको जानकारी दी जा रही है लोकल पुलिस की तरफ से, ये बताया जा रहा है कि आखिर कैसे यहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। रात 1 बजे की ये घटना है जब विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, 50 पुलिसकर्मियों की ये टीम जिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। क्या पुलिस उतने हथियारों से लैस नहीं थी जितना होना चाहिए था? बुलेट प्रूफ जैकेट की भी क्या जरूरत थी अगर इतने बड़े शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है? उन तमाम सवालों को लेकर फिलहाल डीजीपी तो यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर कितनी तैयारी थी और कितनी तैयारी की जरूरत थी, कहां चूक हुई, कहां फेलियर रहा। इन तमाम सवालों के जवाब में डीजीपी का कहना है कि पहली प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से विकास दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाए और जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं उन्हें अच्छा इलाज दिया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही जेसीबी आप देख रहे हैं, देखिए ये वही जेसीबी है जिसके जरिए पुलिस को रोकने की कोशिश हुई थी। पुलिस टीम क्योंकि आगे बढ़ रही थी और ये गुमराह किया गया, अचानक से जेसीबी सामने थी, पुलिस को अपनी गाड़ियों से नीचे उतरना पड़ा, पुलिस पैदल ही आगे बढ़ी और इस बात से अनजान कि जब पुलिस यहां आगे बढ़ेगी, दाखिल होगी इस घर के भीतर, तो उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस के ऊपर होगी। और शायद यही वजह थी कि पुलिस को संभलने का मौका नहीं मिला। एक के बाद एक फायरिंग के बीच 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसमें एसओ, सीओ, डीएसपी के साथ साथ कांस्टेबल भी शामिल थे। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। फिलहाल बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। पूरे कानपुर के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है ताकि विकास दुबे कहीं भाग ना सके। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है, आशंका यह भी है कि रात 1 बजे की घटना थी और रात 1 बजे की उस घटना के दौरान जो कुछ पुलिस के साथ हुआ उसके बाद हो सकता है कि विकास घर में इसमें कौन कौन मौजूद है? घर में जाते एक महिला है जो अपना जाते हैं और इसके अलावा जाते हैं गांव के और लोग भी, जैसा आपने देखा अधिकतर लोग भागे हैं जो है, और उसके बाद जाते हैं जो हम रेवनी के लोग भी जाते हैं यहाँ पर आ गए हैं, हमारे एडीएम साहब भी आ गए हैं जाते हैं, एडीएम और घर में जो उसकी महिला मौजूद है कौन है वो? अब उनके रिश्तेदार बता रहे हैं अपना, ये सब चीजें आप भी जाकर के अपना जाते बता रहे हैं कि उन्हीं से जुड़ी हुई हैं और महिला है, उनके साथ छोटा बच्चा भी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या किसी प्रकार का कोई भी अभी तक इनकाउंटर या कुछ अपराधियों को पकड़ा गया है? क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं, जैसे ही अपना जाते इस सदन में हमें जो है कोई पुष्ट होती है, हमारी कई टीमें जो है गई हुई है और जैसे मिलती है हम आपको स्पष्ट जो है अवगत कराएंगे। तो जैसे ही जो जानकारी मिलती है वो शेयर की जाएगी, लेकिन फिलहाल उस घटनास्थल पर जहां पर ये पूरी घटना हुई है, बड़ा हमला है पुलिस टीम पर, और सोचिए पुलिसकर्मियों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा अगर पुलिस पर ही हमला हो जाए। पुलिस क्यों तैयार नहीं थी, आखिर चूक कहां हुई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े शब्दों में, कड़े संदेश के साथ, कड़े निर्देश के साथ ये कहते रहे हैं कि किसी भी बदमाश को बख्शा ना जाए, तो फिर पुलिस टीम आखिर कैसे फेल हो गई? पुलिस प्रशासन की क्या इसे नाकामी नहीं कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात के निर्देश दे रहे हैं कि आप बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजिए? फिर कैसे ये शख्स खुलेआम घूम रहा था जिसका नाम विकास दुबे है, हिस्ट्री शीटर, 50,000 का इनाम इसके खिलाफ घोषित था, 53 सिर्फ हत्या के मामले दर्ज है जिसमें राज्य मंत्री की भी हत्या को अंजाम दे चुका है ये शख्स, और उसके बावजूद आखिर कैसे खुला घूम रहा था? क्या इसकी निगरानी नहीं की जा रही थी? ये सवाल पूछा गया डीजीपी से, लेकिन डीजीपी ये कहते हुए दिखाई दिए कि फिलहाल जांच की जा रही है, हमारी प्राथमिकता विकास दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की है, कई साथी ढेर किए जा चुके हैं ये अभी तक की जानकारी, लेकिन पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है। जेसीबी का जिक्र किया गया था कि जेसीबी देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती? सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पर जेसीबी का ये क्रम्पन जिसे कहते हैं, देखे सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिसका ये देखे इसको यहां से पूरा वाइंड किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके जिसके ब्याह पर खड़ा किया पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है।
तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जाए इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर यानी पीछे के दरवाजे से यहां पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहां से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का ये शीशा देखे, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे ये देखिए पूरा यहां कैसे गन शॉट्स पड़े हुए, तमाम हुई है और इसके बाद कांच लिखा हुआ कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहां प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए, पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा। और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच क्योंकि यहां दरवाजे नहीं खोले गए तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है तो कैसे दबिश दी गई है, जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के आप उनके नहीं हम ये किवाड़ा बंद करे थे तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ नहीं थे विकास दुबे यहाँ नहीं थे तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई, इतनी गोलियां चली है, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, ये तो पुलिस वाले ने तोड़ा, तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे, नहीं ये तो बाद में तोड़फोड़ हुआ, बाद में तोड़फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पे चल के, ये छत का रास्ता है, अच्छा अंदर लगातार इस घटना के बाद से पूरे जनपद की पुलिस इस क्षेत्र को कॉम्बिंग कर रही है, क्योंकि घटना के बाद से जब अधिकारी यहाँ आए थे तो सभी लोग घर छोड़ के भागे हुए थे और जो मेन मुख्य अपराधी है और उनके जो साथीगण हैं जिन्होंने एक प्रायोजित तरीके से चारों तरफ से पुलिस के ऊपर अटैक किया और असलाहों से, अब वो असलाह वैध थे अवैध थे ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन उसी की कॉम्बिंग के लिए लगातार हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगी हुई है और जल्द से जल्द जो है हम ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना घृणित कार्य किया है हम ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी जाएं उनके विरुद्ध पुलिस और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर अभी एनकाउंटर हुआ जिसमें दो लोगों की शायद मौत की सूचना आ रही है, क्या ये विकास दुबे हैं? अभी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो प्रेस के साथ हम बस शेयर करेंगे। चीज और प्रेस से सर छत से के 47 के कुछ खोखे भी मिले, इसका क्या मतलब है कि क्या ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास थे सर? अभी तक के जो हिसाब के जो हम लोगों की सूचना है उस हिसाब से 30 स्प्रिंग फील्ड जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है वो बदमाशों के द्वारा यूज किया जाना प्रतीत होता है और कुछ वेपन या फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की गई है। अब कौन सा वेपन किसके द्वारा यूज़ किया गया है ये बाद में पता चलेगा, ये विवेचना के बाद ही प्रकाश में आएगा। तो आपने देखा ये एडीजी प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर हैं जो उन्होंने यहाँ इसकी बारीकियों को देख रहे हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ एडीजी कानपुर जयनारायण सिंह भी मौजूद हैं और जिस प्रकार से पुलिस का पूरा अमला इनकी टीम्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, इनका कहना है कि टीम्स को लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं टीम्स अपने स्तर पर काम कर रही हैं। अब पूरे गाँव का निरीक्षण क्योंकि कानपुर 7 टीमें गठित की गई हैं, इसमें ATS को भी लगाया गया है, STF को भी लगाया गया है, क्राइम ब्रांच भी लगी है और सोन की टीम भी, यानी अब उनका मानना है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है वो बचेंगे नहीं। अमित एक चीज बताइएगा, क्योंकि आपने उस घर में प्रॉपर विजिट किया, आपने देखा उस घर को, उस घर की तस्वीरें, उस घर का हम जैसे जिक्र कर रहे हैं बार बार कि शायद कोई कोना हो जहां पर खून ना बिखरा हो, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो जैसे आपने दो बातें बताई, एक तो उस हम ये कहेंगे कि वो खूनी घर है जहां पर खून की होली खेली जाती है, उस घर के बारे में बताइएगा। दूसरा आपने कहा कि कई जांच टीमें बनाई है, उस बारे में भी आपसे हम जानेंगे, शायद फोन कट गया, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीलू आप देखिए किस तरह से वेपन्स हैं, किस तरह से पूरी तैयारी है और
दोनों ही स्तर पर, इधर गलती और उधर तैयारी, जांच बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द जरूरी है। बिल्कुल, और पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर रही कि शायद इस मामले में मुखमिरी भी हुई हो, और हो सकता है पुलिस के अंदर कोई व्यक्ति हो या फिर गांव का कोई व्यक्ति हो। हालांकि पुलिस कह रही है कि ये छानबीन का विषय है और हमें भी इंतजार करना होगा, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कहां पर लूप फॉल्स रह गए, कहां पर ऐसी चीजें रह गई। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हमारे साथ में है। एक बड़ी घटना हुई है कानपुर नगर में, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हम एचसी अवस्थी से खुद ही जान लेते हैं। सर, अभी घटना की क्या जानकारी और पुलिस की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जब से इस घटना के बारे में पता लगा है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौके पर मौजूद हैं, एडीजी कानपुर, आईजी कानपुर, एसएसपी, और लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए कानपुर पहुँच चुके हैं। एसटीएफ को हमने लगाया है ताकि इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप एक्शन में हमको मदद मिल सके, और सारे संभव जगहों पर जहाँ ये जा सकते हैं वहाँ पर पुलिस पार्टीज भेजी गई हैं। आईजी कानपुर उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। फॉरेंसिक, चूँकि हथियार इसमें यूज़ हुए हैं और संभवतः सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज़ हुए होंगे, तो फॉरेंसिक टीम कानपुर से तत्काल मौके पर भेज दी गई थी, लेकिन लखनऊ से भी हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है जो वहाँ पहुँच करके अपना काम करेगी। और अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इस दुस्साहसिक वारदात को, जिसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हम फॉलोअप एक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। सर, जैसा बताया जा रहा है हमारे साथी जो घटनास्थल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि AK-47 के कार्टिजेस मिले हैं, तो क्या AK-47 या कार्बाइन जैसे हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं? देखिए, जो नेचर ऑफ फायरिंग बताया गया है उस हिसाब से निश्चित रूप से सोफिस्टिकेटेड वेपन कोई यूज़ हुआ है, लेकिन चूंकि फॉरेंसिक टीम यहाँ से भेजी गई है और जब तक फॉरेंसिक टीम एग्जामिनेशन ना कर ले, मेरा कोई इस स्टेज पर इस बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर, क्या तक किस पे दबिश देने गई थी पुलिस, और क्या ऐसा कहीं महसूस होता है आपको कि कहीं किसी लेवल पे कोई तैयारियों में चूक हुई है पुलिस की ओर से? देखिए, एक इसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं, ये थाने का हिस्ट्री शीटर है हमारे, और जो पुलिस पार्टी गई अगर आप देखें तो उसमें एक गेस्टेड ऑफिसर भी थे, तमाम सारे कॉन्स्टेबल्स थे। और ऋषभ, अगर पॉसिबल है तो प्लीज पूछिएगा कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जिस पर 25,000 का इनाम भी था और 100 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं, अगर वो बाहर है तो क्या उस पर नजर नहीं रखी जा रही थी? और दूसरी एक बात ये कही जा रही है कि शायद महकमे से किसी ने जानकारी दी जिसकी वजह से ये पुलिस कर्मियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। बड़ी पुलिस पार्टी भेजी गई थी, गेस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में भेजी गई थी, लेकिन रात का अंधेरा और छत पर चढ़ करके वारदात करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये घटना इस रूप में आई। सर, एक बड़ा अपराधी था, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता वो बाहर था इस वक्त जेल से, तो कहीं पुलिस की निगरानी में कहीं कोई कमी रह गई या दबिश पे टीम जा रही है, ये बात पुलिस या कहीं और से लीक हुई, उनकी तैयारी को देख के ऐसा लगता? ये सारे अभी देखिए, प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारे जो जवान घायल हैं, जो अधिकारी घायल हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और जो भाग गए हैं ऐसी जघन्य वारदात करके उनको हम अकाउंट फॉर करें, उनको पकड़ें, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन अभी उधर है। लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें कि क्या उनको इतला हो गई थी या कोई और चीज़ हुई ऐसी, इसको हम ज़रूर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम परसों करेंगे गंभीरता से। सर, जो SOPs होती है नॉर्मल, जैसे दबिश पे भी टीम जाती है, ऐसा कहीं लगता है कि क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट या जो भी संसाधन उनके पास, पुलिस के पास थे, वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए थे, कहीं ऐसी चूक हुई कोई? ये भी बात उसी से जुड़ी हुई है जो आपने पिछला सवाल पूछा है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम जरूर देखेंगे और ये हमारे ध्यान में है। अभी क्या ये फरार चल रहा था किसी मामले में? अभी ये जो मामला इसके विरुद्ध दर्ज हुआ है उसमें इसको पकड़ने के लिए ही टीम गई थी, ये उपलब्ध नहीं था, तो केस की बैकग्राउंड ही ये है कि इसको पकड़ने के लिए गई थी और ये अवेलेबल नहीं हो रहा था, ये जानकारी हमें भी मिली है। सर, कुल कितने लोग इसके साथ शामिल होंगे, विकास के साथ जो बताया जा रहा है छतों से फायरिंग हुई, पूरे गांव का इसके पास सपोर्ट था? ये सूचना है कि इसको गांव का सपोर्ट था, और ये भी सूचना है कि आसपास के मकानों से भी फायरिंग हुई है। अब किस मकान में कितने लोग खड़े थे छत पर या अंधेरे में नहीं जज किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक से ज़्यादा लोग थे
कितने लोग थे ये अभी तफ्तीश में सब चीज़ें सामने आएंगी। सर एक बड़ी घटना हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी इससे मनोबल कम हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के होने के नाते आप कैसे अपनी पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें? पुलिस का मनोबल बढ़ने का केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अपराधियों ने, दुर्दांत अपराधियों ने ऐसी जघन्य वारदात की है, इसको हम एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं सभी को, आम आदमी को भी और पुलिस फोर्स के सभी अपने साथियों को, कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में हम नहीं चुकेंगे। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि उस गांव के पास ही बिकरू के 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में ही एक एनकाउंटर भी हुआ है जिसमें शायद 3 अपराधी न्यूट्रलाइज भी किए गए। ऐसी जानकारी मुझे अभी कोई नहीं प्राप्त हुई है। मैंने जैसा पहले बताया कि रात से ही हमारी टीम्स पूरे जनपद में इन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयासरत हैं। जेसीबी का जिक्र किया गया था कि जेसीबी देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती? सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे जेसीबी का ये क्रैम्पन जिसे कहते हैं, देखे सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिसका ये देखे इसको यहां से पूरा वाइंड किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके जिसके ब्याह पर खड़ा किया पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर, वहां जाए इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर यानी पीछे के दरवाजे से यहां पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहां से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का ये शीशा देखे, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे ये देखे पूरा यहां कैसे गन शॉट्स पड़े हुए, तमाम और इसके बाद कांच लिखा हुआ कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहां प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए, पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा। और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच क्योंकि यहां दरवाजे नहीं खोले गए, तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है, तो कैसे दबिश दी गई है जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के। आप उनके परिवार के और इस वक्त आपको अपडेट दे दे, कानपुर देहात में एक और मुठभेड़ में 2 की मौत हो गई है। तो कानपुर देहात में मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 की मौत हुई है, घटना वाली जगह के पास एक और मुठभेड़ हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर देहात में एक और मुठभेड़ में 2 की मौत हो गई है, तो ये अपडेट मिल रहा है इस वक्त का। घटना वाली जगह के पास ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 की मौत हो गई। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए, अजीत क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल ये खबर पहले ही हमने आपको बताई थी कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को मार गिराया है। तो 2 बदमाश एक जगह मार गिराए गए और 3 बदमाश एक जगह, लेकिन अभी एक बदमाश की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन जबकि 2 बदमाशों के मारे जाने की पुष्टि होगी। काशीराम निवादा गांव है कानपुर देहात का, जहां पर 3 बदमाशों को पुलिस ने घेर रखा था, 2 को मार गिराया गया, तीसरे की भी खबर आ रही कि उसे पुलिस ने मार दिया। हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि तीनों के तीनों बदमाश विकास दुबे के करीबी हैं जिनके मारे जाने की सूचना आ रही। हालांकि ये सभी लोग उस गांव में उस घटना में शामिल थे जब पुलिस कर्मियों पर AK-47 और कार्बाइन से गोली चलाई गई है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता इस वक्त गायत्री मिलती नजर आ रही है कि 2 बदमाशों को मार गिराया है और तीसरे बदमाश को गोली लगी है, लेकिन अभी उसके मरने की पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस है और अजीत, लेकिन क्या अब साफ हो सका है कि कुल कितने बदमाश थे? क्योंकि जिस तरीके से DGP कह रहे हैं कि हर एक बदमाश जो इस पूरी वारदात में शामिल रहा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या ये तस्वीर साफ हो सकी है कुल कितने बदमाश थे?
देखिए बिल्कुल 8 से 9 बदमाशों के नाम पुलिस के पास आ चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग दर्जन भर बदमाश वहां पर थे, हथियारबंद बदमाश थे जिनके पास AK-47 थी, कार्बाइन थी, 9mm की पिस्टल थी, जो खोखे और कारतूस बरामद हुए उससे इस बात का अंदाजा लग रहा है। क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की इन बदमाशों ने हत्या की है, डिप्टी SP मारा गया, SHO मारा गया है, तो कुल मिलाकर साफ है कि एक दर्जन के आसपास से बदमाश थे। और सुबह काफी देर तक मुठभेड़ चली, सबसे पहले महेश यादव SHO पहुंचे थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई, फिर CEO के ऊपर फायरिंग हुई। तो अब 3 बदमाशों को जो सूचना आ रही कि पुलिस ने मुठभेड़ किया, जिसने 2 को मार गिराया, तीसरे को गोली लगी, हालांकि उसके मरने की पुष्टि नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है तीसरा बदमाश भी मारा जा चुका है। तो पुलिस लगातार, 6 जिलों की पुलिस SPF लगातार काम्पिंग कर रही, बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई। लगभग दर्जन भर बदमाश थे, जिसमें से 8 से 9 बदमाशों को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया, जिस बात को DGP कह रहे थे। मौके पर ADG प्रशांत कुमार पहुंच चुके हैं, ADG जोन कानपुर जनरल सिंह मौजूद है, आसपास के कई जिले की फोर्स मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया, उस JCB को भी बरामद कर दिया गया, जिस JCB से गांव के जाने वाले रास्ते को रोका गया था, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी नहीं जा पाई थी और उन्हें पैदल जाना पड़ा था। पूरे घर की तलाशी ली गई है, विकास दुबे के बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं, अफलाई जो बरामद हुई है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में, और लगातार एक कैंपिंग की जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर गृह और DGP को कहा गया है कि जितने भी बदमाश उसमें शामिल थे सभी को पकड़ा जाए, अगर मुठभेड़ हो तो सबको मारा जाए, लेकिन अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई और 3 बदमाशों को अब तक मारा जा चुका है। गायत्री जी, तो 3 बदमाश अभी तक ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन 2 की पुष्टि फिलहाल कर दी गई है, जबकि 1 बदमाश जिसको गोली लगी है उसके बारे में फिलहाल पुलिस ने कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है। तो घटना वाली जगह के पास ही दरअसल ये मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में 2 जो विकास दुबे के करीबी बताए जाते हैं, वो 2 लोग जो कल की घटना में, देर रात की जो घटना हुई थी उसमें भी शामिल रहे, उन 2 साथियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि 1 को भी गोली लगी है, उसके बारे में पुलिस ने जानकारी फिलहाल नहीं दी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले यूपी के ADG प्रशांत कुमार भी घटना वाली जगह पर पहुंचे, आइए आपको दिखाते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सर जिस प्रकार से, सर एक सेकंड, सर आज आप अभी स्पॉट पर पहुंचे हैं, जवानों की हत्या हुई है लिटरली, क्या चीजें प्रथम दृष्टया सामने आई हैं और क्या क्या चीजें अभी कुछ एनकाउंटर पुलिस ने किया, कितने लोग उसमें मार गिराए गए? लगातार इस घटना के बाद से पूरे जनपद की पुलिस इस क्षेत्र को कॉम्बिंग कर रही है, क्योंकि घटना के बाद से जब अधिकारी यहाँ आए थे तो सभी लोग घर छोड़ के भागे हुए थे, और जो मेन मुख्य अपराधी है और उनके जो साथीगण हैं जिन्होंने एक प्रायोजित तरीके से चारों तरफ से पुलिस के ऊपर अटैक किया और असलाहों से, अब वो असलाह वैध थे अवैध थे ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन उसी की कॉम्बिंग के लिए लगातार हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगी हुई है, और जल्द से जल्द जो है हम ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना घृणित कार्य किया है हम ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी जाएं उनके विरुद्ध पुलिस और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर अभी एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 लोगों की शायद मौत की सूचना आ रही है, क्या ये विकास दुबे हैं? अभी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो प्रेस के साथ हम बस शेयर करेंगे। चीज और प्रेस से, सर छत से AK-47 के कुछ खोखे भी मिले, इसका क्या मतलब है कि क्या ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास थे? सर अभी तक के जो हिसाब के जो हम लोगों की सूचना है उस हिसाब से 30 स्प्रिंगफील्ड जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है वो बदमाशों के द्वारा यूज किया जाना प्रतीत होता है, और कुछ वेपन या फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की गई है। अब कौन सा वेपन किसके द्वारा यूज किया गया है ये बाद में पता चलेगा, ये विवेचना के बाद ही प्रकाश में आएगा।